गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल साँचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सिक्स्थ लेसन एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स के पहले पार्ट की स्पेलिंग्स जो है वो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में जो है वो समाप्त की। आज उसी क्रम में इसी पाठ का दूसरा भाग, सेकेंड पार्ट, उसकी कुछ स्पेलिंग्स, उनके प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण और मीनिंग्स, हिंदी मीनिंग, हिंदी अर्थ जो है हम एक एक करके समझेंगे। उसके बाद हम जो है इसके जो बाकी की स्पेलिंग हैं उनको आगे जानने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दूसरे भाग की स्पेलिंग्स। फर्स्ट स्पेलिंग जो है लिखी है इन ब्लॉक लेटर्स। यहां पर ब्लॉक का मतलब आप समझ सकते हो कैपिटल यानी बड़े, कैपिटल यानी बड़े, ब्लॉक का मतलब बड़े होगा, लेटर्स यानी अक्षर। तो INBLOCKLETTERS ब्लॉक लेटर्स का मतलब हो जाएगा यहाँ पर बड़े अक्षरों में, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में इन ब्लॉक लेटर्स। ओके, फिर लिखा है By appointment to का मतलब होगा नियुक्त या अधिकृत, किसी के द्वारा किसी व्यक्ति को जब नियुक्त किया जाता है, किसी काम पर लगाया जाता है या किसी जगह जो है वो किसी कार्य के लिए जो है वो उसको उस कार्य को करने के लिए अधिकृत किया जाता है तो उसको कहते हैं बाय अपॉइंटमेंट टू। फिर है डमी, TUMMY, टमी, टमी का मतलब होता है पेट, टमी का मतलब होता है पेट। उसके बाद आपके सामने एक शब्द है चीन, CHIN, चीन, आपने पार्ट्स ऑफ बॉडी, ह्यूमन बॉडी जो है वो आपने लर्न किए होंगे, उसको मालूम होगा, उसमें एक शब्द आता है चीन, चीन का मतलब टोडी होता है, टोडी, ये वाला जो भाग जो है इसको जो है वो हम चीन कहेंगे इंग्लिश में। उसके बाद कफ्ड इन लिखा है CUGGED IN, कफ्ड इन, हाथों को तो वैसे कप के जैसे बनाते हैं, हाथों को जब कप के जैसे बनाया जाता है तो ये कप हो गया, ये कप के जैसे, जैसा कप होता है ऐसे इनको बनाया जाता है, तो कप में ही हाथों से कप जैसी आकृति बनाई। पॉम्स नाउन है, PALMS, एल इसमें साइलेंट है, पॉम्स पढ़ते हैं इसको, बहुवचन शब्द है अथेलिया, और कौन होता है PALM, कौन यानी अथेली होता है, एक कौन PALM होता है उसमें भी वो भी नाउन है, उसका अर्थ होता है तार का वृक्ष जो होता है उसको भी कौन पा लेता है कॉन्ट्री। उसके बाद कॉमिक्स आप नाम सुना होगा COMMICS, कॉमिक्स का मतलब होता है मनोरंजक चित्र होता है, कुछ बुक्स आती हैं जिसमें चित्र दिए हुए होते हैं और उसके ऊपर जो है वो वर्णन लिखा हुआ होता है, डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ होता है, तो उसको चित्रकथा कहा जाता है, लिखने के साथ उस पाठ के साथ उस स्टोरी के साथ उसका चित्र भी दिया हुआ होता है, उसको चित्रकथा कहा जाता है, इंग्लिश में उसको कॉमिक्स कहते हैं। और ये विशेष रूप से किताब होती है बच्चों के लिए, जो किड्स जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये किताबें आती हैं, चित्रकथा आती है, मनोरंजक चित्रकथा आती है, तो उसको इंग्लिश में कहा जाता है कॉमिक्स, उसको इंग्लिश में कहा जाता है
कॉमिक्स। फिर है क्वेश्चनिंगली, Q-U-E-S-T-I-N, क्वेश्चन होता है और इसमें आई एन डी एम लगा है, एडवर्ब बन गया है। क्वेश्चनिंगली कब होता है? प्रश्नात्मक मुद्रा, जब कभी हम किसी से कुछ जानना चाहते हैं या आगे वाले ने जो आपको बताया है, जो चीज़ आपको आगे वाले ने बताई है वो चीज़ आप समझ नहीं पाए हैं, उसका अभिप्राय आप समझ नहीं पाए हैं, तब जब आप उनके सामने जिस प्रकार से देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा, उनका कहने का अभिप्राय क्या है, ये देखने के लिए जिस मुद्रा में, जिस स्थिति में आप उनके सामने देखते हो, तो जो तरीका होता है देखने की, जो स्थिति होती है, उसको कहते हैं क्वेश्चनिंगली, क्वेश्चनिंगली प्रश्नात्मक मुद्रा। फिर हम लिस्ट से निश्चय बनाना है, लिस्ट का सूची होता है, सूची बनाना LIST, और इससे ग्रुप का सेकंड फॉर्म लिस्टेड या सूचीबद्ध किया। फिर नोड से नोटेड बनाना है, NO, ये ग्रुप का सेकंड फॉर्म है, ये भी ग्रुप का सेकंड फॉर्म है, नोड से नोटेड बना, नोड का सील लाना, इनकार में सील लाना, और नोटेड यानी इनकार में सील हिलाया, NODDED। उसके बाद आपके साथ शब्द है एलियस, ALIAS, एलियस यानी छदमना, छुपा हुआ नाम, गुप्त नाम जो होता है, जो किसी को मालूम नहीं होता है, कुछ लोग ही जानते हैं या वो स्वयं जानता है जिसका नाम होता है, बाकी किसी को उसके नाम के बारे में नहीं होता है, उसको एलियस कहा जाता है, ALIAS, एलियस। टेनेंट्स, आपने पहले भी इसको दोबारा मैंने बतवाया आपको, सभी दोबारा फिर लिखा है, टेनेंट्स, TENANTS, टेनेंट्स का मतलब होता है किराएदार, किराया देने वाले, किसी भी चीज़ का किराया देने वाले जो होते हैं, चाहे वो खेत हो, मकान हो, दुकान हो, कुछ भी हो, जिस जो व्यक्ति किराया देता है वो किराएदार कहलाता है, टेनेंट्स कहलाता है, विशेष रूप से खेती के काम आते हैं, खेती में जो है ये सब यूज किया जाता है। मैनरलेस, मैनर यानी तरीका होता है, अच्छा तरीका कह सकते हैं उसको, अच्छा व्यवहार कह सकते हैं उसको, और मैनरलेस यानी अच्छा व्यवहार नहीं होता है, मैनर जिसमें नहीं होता है बिल्कुल, तो अच्छा व्यवहार उसका नहीं होता, उसको एक शब्द है अभद्र, अभद्रता, अभद्र जो है कहते हैं जिसमें मैनर नहीं होता है। फिर उसके बाद में आपके सामने शब्द है पोलाइट, ये भी कई बार पढ़ा है, POLIT, पोलाइट, पोलाइट विनम्र या नम्र, ठीक है। फिर है हेड टू यानी करना पड़ा, मजबूरन करना पड़ता जो चीज उसको हेड टू कहा जाता है, पास्ट टेंस है, हेड टू, हेड टू पास्ट टेंस है, करना पड़ा किसी कार्य को, आपको मजबूरी वस्तु है उसको करना पड़ता है, तो उसके आगे हेड टू आता है। इसके लिए आपके सामने प्रेजेंट में अगर है तो हेड टू या हैव टू आता, ठीक है, प्रेजेंट, और जब इसका पास्ट बनता है तो होता है हैड टू, ठीक है, प्रेजेंट और ये पास्ट, ठीक है, जो कार्य हमें मजबूरी में करने पड़ते हैं। अंडर मेडिकल ट्रीटमेंट, अंडर मेडिकल ट्रीटमेंट, इसका उच्चारण मैंने नहीं पाया, लंबा है इसलिए, अंडर इसको पढ़ते हैं, अंडर इसको पढ़ते हैं मेडिकल, इसको पढ़ते हैं ट्रीटमेंट, अंडर मेडिकल ट्रीटमेंट, चिकित्सा मेडिकल का हो जाएगा, ट्रीटमेंट उपचार हो जाएगा, के तहत यानी अंडर हो जाएगा, चिकित्सा उपचार के तहत, चिकित्सा उपचार के तहत। फिर है रिसीव, RECEIV, रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना, रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना। फिर शब्द है आपके सामने किड्स, किड्स से किड्स बनाना है, बहुवचन है, किड्स का मतलब होता है बच्चे, KIDS, किड्स यानी बच्चे। फिर है ग्रॉन अप्स, GROWNUPS, ग्रॉन अप्स का मतलब होता है वयस्क, बड़े हो जाना, जब बड़े हो जाते हैं तो उसको वयस्क कहते हैं, ग्रॉन अप्स कहा जाता है इंग्लिश में। स्केयर, SER, स्केयर का मतलब डरना,
और स्केर्ड यानी डरे हुए वर्ब का सेकंड फॉर्म है ये S C A R E D। फिर एक्सेप्ट E-X-C-E-P-T एक्सेप्ट और एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा सिवाय बजाय, ठीक है। इसके साथ उसके बाद में जो है सबसे लास्ट में जो आखिर में जो है आज के वीडियो लेक्चर में ये स्पेलिंग इमीडिएटली कई बार आपने पढ़ा है इसको IMMEDIATELY इमीडिएटली पढ़ते हैं इसको इमीडिएटली और इसका मतलब होता है तुरंत या शीघ्र। तो ये जो है वो आज के आपके इस वीडियो लेक्चर के कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स थे, उनके प्रोनाउंसिएशन और उसके हिंदी मीनिंग्स थे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें और अब स्क्रीनशॉट लें आप इसका और स्क्रीनशॉट ले करके फिर बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में लिखें और फिर जो है उनको याद करें। स्पेलिंग बार बार कहना ना पड़े, शुरुआत से मैं कहता आ रहा हूँ कि आप स्पेलिंग याद करते रहें। ऐसा मत समझना कि सर ने कहा नहीं, सर आपने याद करने का कहा ही नहीं। कक्षा में कई बार जो है बहुत परेशानियाँ होती थी कि सर आपने याद करने का तो कहा ही नहीं था। तो इस बात का ध्यान रखें, जो चीज़ आपको विशेष करके स्पेलिंग और प्रश्न उत्तर वगैरह ये चीज़ें जो है वो आपको जो करवाई जाती हैं वो आपको करने के लिए साथ में करने के साथ में याद भी करनी होती हैं। केवल कॉपी में लिखने से कुछ नहीं होता, कॉपी में लिखा जाता है कोई सुलेख वगैरह हो राइटिंग सुधारने के वो चीज़ लिखी जाती है जिसको याद करने की ज़रूरत नहीं होती। बाकी की चीज़ें चाहे वो प्रश्न हो, प्रश्न उत्तर हो, दूसरी एक्सरसाइज हो, ग्रामर से संबंधित हो, स्पेलिंग्स हो, ये लिखाने का उद्देश्य ही ये होता है कि आपको उनकी स्पेलिंग एक तो उसका जो है वो किस प्रकार से वर्तनी होती है उसकी, किस प्रकार से उसको प्रोनाउंस किया जाता है, उच्चारित किया जाता है और किस प्रकार से या क्या जो है उसका संबंधित शब्द का जो है वो हिंदी अर्थ होता है, ये बताने के लिए ही लिखवाए जाते हैं। तो आप उनको लिखें और उसके साथ में उनको याद भी करते रहें, बार बार इन चीज़ों को दोहराना न पड़े, इसलिए आप बढ़िया तरीके से इनको करें और साथ में याद भी करते रहें। काफ़ी शब्द जो है वो आपने पहले भी पढ़े हुए हैं और कोई नए शब्द हैं तो वो भी मुश्किल नहीं है, इसमें बिल्कुल जो है वो आसान से शब्द हैं। आप अगर दिमाग लगाओ तो उनको, बड़ी स्पेलिंग जब होती है तो बड़ी स्पेलिंग को आप टुकड़ों में याद कर सकते हो, टुकड़े करके कर सकते हो। जैसे मैं एक तरीका आपको बताता हूँ, आपके सामने समस्या आती होगी सर इतनी बड़ी स्पेलिंग सर कैसे याद होगी, कई बच्चों की समस्या होती है। जैसे इसमें एक सब जैसे अपॉइंटमेंट ले लिया तो इसमें एक टुकड़ा जैसे बाय तो है अलग से आप लगा सकते, कोई मतलब नहीं, अपॉइंटमेंट को याद करना आपको तो आपने एक बाग कर दिया अपॉइंट, एक बाग कर दिया अपॉइंट ए डबल पी ओ आई एन टी ए डबल पी ओ आई एन टी अपॉइंट हो गया, ए डबल पी ओ आई एन टी अपॉइंट आगे शब्द हो गया एम ई एन टी मेंट अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट, ऐसे टुकड़े कर सकते हो आप। दूसरा शब्द जैसे टमी, इसका भी अगर टुकड़ा करना चाहते टम मी टी यू एम एम वाई टी यू एम ए कर दिया एम वाई कर दिया। इस प्रकार से बड़े जो शब्द होते हैं उनको आप दो तीन टुकड़े करके उनको जो है वो अलग अलग करके उनको लर्न कर सकते हो, तो उसमें कोई परेशानी आपके होने वाली नहीं है। अगर आप चाहोगे, आपका अंदर से इच्छा होगी, इंटरेस्ट होगा तो कोई मुश्किल नहीं है, आसानी से आप उनको याद कर पाओगे। तो इसके साथ ही आज का वीडियो लेक्चर जो है वो हम यही समाप्त करेंगे। अब कल जो है वो हमारा इसी क्रम में आगे का जो है वो इसी बाग की जो आगे की स्पेलिंग्स जो है वो शेष रहती है उनको हमारा अगले वीडियो लेक्चर में करने का प्रयास रहेगा। तो इसके साथ ही आज का ये वीडियो लेक्चर जो है वो हम यही समाप्त करेंगे। थैंक यू।